बीजेपी विधायक पर फूटा किसानों का गुस्सा। बीजेपी विधायक को नंगा करके पीटा। हंगामे की ये तस्वीरें पंजाब के अबोहर इलाके से आई हैं। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। शनिवार को पंजाब के अबोहर में बीजेपी एमएलए अरुण नागर नाराज किसानों के गुस्से का शिकार हो गए। केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों से नाराज लोगों ने मलोट इलाके में बीजेपी विधायक अरुण नागर पर हमला कर दिया। इस हमले में अरुण नागर के कपड़े पूरी तरह से फट गए। हालांकि किसी तरह पुलिस ने उन्हें हिंसक भीड़ से बचा लिया। दरअसल पंजाब के मलोट इलाके में कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। अबोहर विधायक अरुण नागर समेत कई बीजेपी नेता मलोट ऑफिस की तरफ जा रहे थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पर पहले से ही बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। जैसे ही नारंग अपनी कार से उतरे तो नाराज किसानों ने उन्हें घेर लिया और उन पर शाही फेंक दी। हालांकि विधायक अरुण नागर को बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस कर्मी एक पास की दुकान में ले गए, लेकिन बाद में नारंग जैसे ही दुकान से बाहर आए तो लोगों ने उन्हें घेर लिया और उन पर एक तरह से हमला कर दिया। इस हमले में अरुण नागर के कपड़े पूरी तरह से फट गए। बाद में पुलिस ने नारंग को किसी तरह भीड़ से बचाया। अरुण नारंग के अलावा कुछ और नेताओं को भी भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ा। लेकिन यह हमला दिखाता है कि पंजाब और हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ किस तरह से किसानों में गुस्सा है। पिछले 4 महीने से दिल्ली की दहलीज पर बैठे किसानों का सब्र अब जवाब दे रहा है और उसका शिकार बीजेपी विधायक और नेता बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।